नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे होटल स्टाइल पूरी करी, जिसे हम बॉम्बे में चटनी कहते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है कांदा कटा हुआ, कांदे हमें थोड़े ज़्यादा लेना है कट करके, एक आलू उबला हुआ, हल्दी पाउडर, नमक, राई, जीरा, हरी मिर्च कटी हुई, अदरक थोड़ा किसा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ, कड़ी पत्ता, सूखी मिर्च, थोड़ा सा बेसन, उड़द की दाल सफ़ेद वाली थोड़ी सी ली है, चने की दाल थोड़ी सी ली है, एक नींबू का रस। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस हमने ऑन कर लिया है। अब हम इस पे कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। अब तेल हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें डालेंगे राई। राई फूटने के बाद हम इसमें डालेंगे उड़द की दाल, चने की दाल, इसे हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। सूखी लाल मिर्च। हरी लाल मिर्च कटी हुई। कड़ी पत्ता। इन सब को हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कांदा। कांदे को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अब ये थोड़ा ब्राउन हो चुके हैं, हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसे मिला लेंगे। देखिए अब हमारे कांदे अच्छे से ब्राउन होके पक चुके हैं हल्दी के साथ। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन को हम थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे। ये हम बेसन को इस तरीके से पानी में घोल लेंगे। घोल लिया इसकी पूरी खत्म करके ही हम इसमें डालते हैं प्लेन करके पूरा बेसन। देखिए अब हम बेसन इसमें डाल देंगे, इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अदरक जो किस करके रखा है हमने, वो इसे हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हम इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। अब हम इसे पकने देंगे ताकि बेसन हमारा पक जाए। देखिए अब कांदा और बेसन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा उबला हुआ आलू, जिसे हम हाथ से इस तरीके से दबा के इसमें डाल देंगे। इसे हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस, इससे थोड़ा भाजी में खटास आ जाएगा तो भाजी और टेस्टी लगेगी हमारी। इसे 2 मिनट पकने देंगे। देखिए अब हमारी सब्जी यहाँ पे बनके तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। कटा हुआ हरा धनिया इस पे डाल देंगे, इसे मिला लेंगे और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम निकाल लेंगे तो देखिए हमारी होटल स्टाइल पूरी करी यहाँ पे बनके तैयार है। हमने इसे मुंबई की चटनी के स्टाइल में बनाया है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही खाने में लाजवाब और टेस्टी है। और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।